आज इस दिन पे आने से दिल में बड़ा दुख होता है, जिसका नाम पर इस प्रोग्राम है। धर्मेंद्र सिंह मेरा छोटा भाई था, एक साथ बहुत काम किया है हम लोग, लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि जो भी कार्यक्रम आज चल रहा है, प्रियंका सिंह जी ने हमारा सामने आया और चाहा कि धर्मेंद्र को जो ख्वाब था, जो इच्छा था उसका कि हर आदमी के लिए कुछ काम करे। पहले दिन जब उसका देहांत हुआ था, हम लोग बड़ी दुख में था। उस दिन प्रियंका बहन को देखकर मैं सोचा था कि ये घर का बहू घर में चला जाएगा, और क्या है, धर्मेंद्र सिंह का नाम हम लोग का पास रहेगा। लेकिन वो साबित कर दिया आज कि घर जाने वाला लड़की ये प्रियंका सिंह नहीं है। प्रियंका सिंह धर्मेंद्र सिंह का उत्तर सरी बांध के हमारा साथ कंधा कान लगा के आज आदमी के लिए काम करता है, उनके लिए तालियां दीजिए थोड़ा। हम जानते हैं अब सब धर्मेंद्र सिंह को बड़े प्यारा था। धर्मेंद्र चाहता था कि शालीमार के अंदर सब आदमी के लिए काम करे। मैं बहुत बार उनके बुलाव पर आया, छोटा 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 काम करते करते आदमी का अंदर का आदमी हो गया, मन का आदमी हो गया था धर्मेंद्र सिंह। लेकिन कुछ दुष्कृतियों, कुछ खराब आदमी जो हमारा संसार में है, वो सब चाह कि इनका सपना चूर चूर कर दूंगा, जैसे कि उसको मृत्यु हो गया था। लेकिन उसका भूल था, हमारा पास से धर्मेंद्र सिंह चला गया, लेकिन प्रियंका सिंह आ गया। मैं आगे भी दिखा दूंगा कि इनको साथ लेके हम लोग जो लड़ाई करेगा, धर्मेंद्र सिंह शालीमार नहीं, सारा हावड़ा में जिंदा रहेगा। ये बात मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं। अब लोग पूजा करिएगा, जिस देवता को आप अर्घ चढ़ाइएगा। मैं मानता हूं, मेरा मत है, एक देवता जिसको हम आंख से देखता हूं रोज, जो सच्चाई हमारा सामने आता है कि वो सूर्य देव जिसको मैं सुबह को देखता हूं, जिसको साथ सारा दिन सारा जग आलो आलो हो जाता है, वो सूर्य देव को आप अर्घ दीजिएगा। ये सबसे बड़ा पूजा है। कल लौकी भात खाइएगा, उसका बाद खरना है, उसका बाद अर्घ देना है। इसका बीच में आपका जो अनुशासन है, मैं उसको मानता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। मेरा माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, मेरा बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि और कुछ नहीं, आप थोड़ा चाहिए कि बंगाल को जो राज चल रहा है उनके लिए दुआ मांगिएगा, प्रियंका सिंह के लिए दुआ मांगिएगा कि आगे दिन हम आगे बढ़ सके, एकदम सब आपके लिए काम कर सकते हैं। मैं जानता हूं मेरा पास इतना तो हिम्मत नहीं है, लेकिन चाहत है, मैं मांग सकता हूं सबके सामने। मैं प्रियंका जी के लिए मांगूंगा कि एक बार उनके भी थोड़ा काम करने के लिए सुजग कर दीजिए। हम आपको वादा करता हूं, वो प्रियंका सिंह और हम लोग सब मिलके ये शालीमार का जितना उन्नयन जरूर जरूर कर दूंगा। धर्मेंद्र सिंह ट्रस्ट बोलने में मेरा दुख होता है, दिल में बड़ा धक्का लगता है। मालूम पड़ता है कि ये जैसा सब आदमी खड़ा है, धर्मेंद्र भी खड़ा है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आज वो हमारा बीच में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं
धर्मेंद्र सिंह मेरा बीच में है और धर्मेंद्र सिंह ये काम करता है खाली हम लोग के जरिए, प्रियंका की जरिए, उनके हाथों से ये काम होता है। हमारा बीच में उपस्थित हो रहा है हावड़ा जिला का तरुण तुर्की नेता और अध्यक्ष कैलाश सिंह जी, कैलाश मिश्र। मैं उसको बधाई देता हूं और मंच में बुला देता हूं। जो बात मैंने करता था कि अब ये जो सामग्री हम आपके हाथ में दूंगा ये कुछ नहीं है, ये उपहार है, ये उपहार है। अगर हम नहीं देते तब भी आप पूजा करते, अगर मैं नहीं आपको बुलाते तब भी आप पूजा करते, लेकिन ये धर्मेंद्र सिंह का ये सपना था कि सब में ये उपहार बांटा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ देने के लिए हम लोग यहाँ बुलाए हैं, आपको ये उपहार देने के लिए, और ये उपहार आप लेते हैं, आपको सबको पास हम प्रियंका सिंह की जी तरफ से और धर्मेंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आभारी हूँ कि आप ये सामग्री हमारा हमसे लेते हैं। हम सबको शुभकामनाएं देते हुए और एक बार बोलता हूं कि प्रियंका जी को लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। शालीमार का उन्नयन में प्रियंका जी का योगदान कराइए, ये आपको रिक्वेस्ट करके मेरा बात खत्म करता हूं। नमस्कार, एक बार हमारा साथ में बोलिए, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। नमस्कार।